प्रायोजक हैं फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव, वहीं उप मुख्यमंत्री बनाया गया है रीवा विधायक 5 बार के राजेंद्र शुक्ल को। जैसे ही यह खबर रीवा पहुंची, रीवा में जश्न का माहौल शुरू हो गया। समर्थकों का जमावड़ा राजेंद्र शुक्ला के घर पर लगने लगा। देखते ही देखते राजेंद्र शुक्ला का घर समर्थकों से भर गया। आतिशबाजी की गई, मिठाइयां बांटी गईं। वहां का नज़ारा आज बिल्कुल बदला हुआ था। जैसे ही इस बात की जानकारी रीवा शहर के लोगों को हुई, उनके विधायक को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। हालांकि राजेंद्र शुक्ला इस बार 5वीं बार चुनाव जीते हैं। इसके पहले वो 4 बार विधायक रहे और मंत्रिमंडल में 4 के 4 बार शामिल रहे थे। इस बार एक बार उनको फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। देखिए किस तरीके से राजेंद्र शुक्ला के घर में के जश्न का माहौल है। हमने उनके समर्थकों और उनकी बहन से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, जो कि शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते। एकदम से जैसे ही एकदम से टीवी में खबर आई कि मतलब उनका इतना अच्छा स्वभाव है, इतना वो इतने शांति प्रिय नेता हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के अंदर पूरा ग्राउंड भरा हुआ है। उनको उनको भी बधाई, आप सबको भी बहुत बधाई। कभी आपने सोचा था कि इस अब वो इस क्षेत्र में थे तो मतलब अब क्या बताएं, ऐसे एकदम तो नहीं सोच सकते, पर ये मन में था कि ये जिस हिसाब से इनकी कार्यशैली है तो लगता था कि कभी ना कभी ये बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मंत्री रहते उन्होंने कई सारे विकास कार्य किए हैं रीवा। हाँ जी, वो जल्दी से बनाए गए हैं, लगता है अरे वो और भी काम करेंगे। वो CM बने, डिप्टी CM बने, मंत्री बने ना बने, वो जो रीवा की जनता के लिए वो जो काम करते हैं ना, निस्वार्थ भाव से उनका काम करने की उनकी शैली है। हम लोगों के लिए इससे बड़ी खुशी और कोई हो नहीं सकती। हम लोग अपने राजनीतिक जीवन में जीते जाते अपने साथ के अपने छात्र जीवन के सहयोगी हमारे नेता माननीय राजेंद्र शुक्ल जी को आज उप मुख्यमंत्री बनते हुए देख रहे हैं, और ये पूरे रीवा के लिए, पूरे विंध्य प्रदेश के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। और हम सबके लिए एक उदाहरण है कि राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, इससे कभी विचलित नहीं होना चाहिए। बहुत ही धैर्य के साथ अपना जो आपको जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को आप पूरा करिए। एक न एक दिन आपको जरूर उसका प्रतिफल मिलेगा। ये हम सब के लिए और एक आम इंसान के लिए भी जीता जागता उदाहरण है। जहाँ तक क्षेत्र की बात है तो मैं 98 से उनसे जुड़ा हूँ राजनीतिक जीवन में। जब मैंने उनको देखा पहला चुनाव जब वो हारे, उसके बाद से लगातार वो क्षेत्र में ही रहे और उन्होंने इतनी मेहनत करी कि 2003 में जनता ने उनको ऐतिहासिक वोट देकर के मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया। उसके बाद सवेरे 5 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक उन्होंने कभी किसी भी तरीके का आराम नहीं किया और लगातार वो विकास के कार्यों में और जनहितैषी कार्यों में लगे रहे, और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। अब तो हमारा रीवा जो शहर एक ज़माने में कस्बे से बड़ा नहीं दिखाई पड़ता था, आज महानगर की श्रेणी में आ गया है। और सबसे कम समय में अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी भी क्षेत्र का विकास अगर आपको देखना है तो रीवा शहर इसका पर्याप्त उदाहरण है। और अब तो कुल मिलाकर के हवाई जहाज उड़ाने की बारी है, उड़ेगा आम आदमी, जो हम सबका एक एक इमेजिनेशन है वो भी शायद मार्च में मुझे लगता है कि पूरा हो जाएगा। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।